ओपन थिएटर के नजदीक संचालित हो रही चौपाटी आसपास के लोगों के लिए सिर दर्द बनती जा रही है। चौपाटी से निकलने वाला अपशिष्ट आसपास में डंप किया जा रहा है, इसके नहीं हटने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह जिम्मेदारी है किसकी। फूड स्ट्रीट से संबंधित लोगों को विकल्प देने के लिए नगरपालिका निगम कोरबा ने 25 लाख रुपए खर्च कर गढ़ कलेवा तैयार किया, लेकिन यह योजना कई कारणों से असफल हो गई। चोर उचक्कों के द्वारा सामानों की चोरी करने और दूसरे कारणों से कारोबारियों ने यहां पर रहने से इनकार कर दिया। काफी समय से ओपन थिएटर के पास चौपाटी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग श्रेणी की दुकानें शामिल हैं। हर रोज कमाई करने के बाद कारोबारी गंदगी को नजदीक में फेंक कर चले जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं आसपास के लोग। लोगों ने बताया कि आखिर यहां पर सफाई की जिम्मेदारी है किसकी, यह अब तक उनकी समझ से बाहर है। इसके लिए शिकायत एक दो बार हुआ है, लेकिन नहीं माना कोई। कहाँ के लोग फेंकते हैं? चौपाटी वाले, बस्ती वाले, आने जाने वाले को बदबू देगा, यहाँ कचरा फेंकाया रहेगा तो। उठाव हो रहा है कि नहीं? कचरे उठाव होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक नहीं है सर, मुनासिब नहीं। गंदगी से बीमारी पैदा होता है। क्या होना चाहिए इसके लिए? सफाई होना चाहिए जी, निगम की तरफ से। यहाँ की व्यवस्था में सुधार कैसे हो, इस बारे में चौपाटी में कारोबार करने वालों के साथ साथ नगर निगम के स्वच्छता विभाग को विचार करने की आवश्यकता है, ताकि संभावित बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कोरबा से रामेश्वर साहू की रिपोर्ट।